मैं हम दोनों डिटेन नहीं हुए क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना था आगे भी। हमारे चार बसें आज महिलाओं के साथ और जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनके साथ डिटेन होके चार बसें इन्होंने पुलिस स्टेशन भेज दी है। सर जो अभी मैम है स्टूडेंट हैं और आज बारिश के वक्त भी वो समर्थन देने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं, मीडिया से भी बात कर रही थी, लेकिन मैम बारिश के बीच भी आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये हौसला कहाँ से आया और क्यों लगा कि महिलाओं का यहाँ पर पहलवानों का साथ देना चाहिए? एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, हमारा धरना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं हम दोनों डिटेन नहीं हुई क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करना था आगे भी। हमारे चार बसें आज महिलाओं के साथ और जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनके साथ डिटेन होके चार बसें इन्होंने पुलिस स्टेशन भेज दी है, बदतमीजी करके, बुरी तरह से उनको स्लट शेम करके, उनको गालियां देके, बेहुदा हरकतें करके। जो मेल वहां पर पुलिस वाले थे उन्होंने उठाया हमारी फीमेल एक्टिविस्ट को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाना है। और आपका क्या नाम? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ जी, दोनों ही यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आज 11वां दिन है पहलवानों के धरने को? देखो मैं तो कुछ बोलने का अभी इतना ट्रॉमेटाइज हूँ कि मैं कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आप हमारे एक्टिविस्ट को जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट एक्सेस कर रहे थे कंट्री का, उनको आप डिटेन कर सकते हो, उनके खिलाफ आप FIR 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। बट एक जो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आया है, हम तो आम लड़कियाँ हैं इस देश की जो इंटरनेशनली हमारे कंट्री को प्लेटफॉर्म दे रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, आप उन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो हम जो एक आम लड़की है इस देश के, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ जो आज डर के मारे आज स्ट्रीट्स पे आई है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर कल दिन इफ आई बिकम अ मदर, मेरी बेटी होगी या मैं खुद भी होंगी, तो मेरी आवाज़ तो कोई सुनने ही नहीं वाला ना, क्योंकि मैं तो कीड़े मकोड़े के समान हूँ, हर दिन का कैंडल मार चुका और कोई सुनने नहीं वाला बात। तो वो उस प्रकार का स्थिति देश में आ गया है, इसलिए जो यूथ है, यूथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेटिक। तो क्या लगता है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जबकि वो मांग कर रहे लगातार पहलवान की गिरफ्तारी होनी चाहिए? मैम देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, सबको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेक्सुअल असॉल्ट के बहुत मामले आते हैं। आप वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लेते हो, पता है पूरा सिस्टम जो है ये सिस्टमैटिकली दे आर करप्टेड नाउ। एक सिस्टम में एक फंसेगा तो वो दूसरे को फंसाएगा, दूसरा फंसेगा वो तीसरे को फंसाएगा। इस जाल में ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, जिसका बात भगत सिंह भी करते थे, क्योंकि उनको बहुत मैंशन किया जा रहा है प्रोटेस्ट में, याद किया जा रहा है, तो वो इस सिस्टम का जो बात करते थे, जो वो कहते भी थे कि गोरों को भगा दोगे कालों का क्या करोगे, जो देश में अभी भी है। तो जब ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ देखो, हम सबको पता है वो कौन है, क्या सिंपल केस है, सेक्सुअल असॉल्ट है, वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, सबको मामला पता है। लेकिन अभी की सरकार की बात करें तो मजबूत सरकार है, नारी शक्ति की बात करती है, महिला सुरक्षा को लेकर दावे करती है, तो फिर इतना मतलब क्यों लग रहा है कि सरकार पे अभी विश्वास नहीं बन पा रहा? देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आप कह क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप एक्शन क्या ले रहे हैं? अगर आप इतनी महिलाओं को लेकर आप इतने ज़्यादा संवेदनशील थे तो आपको एक FIR लिखने में लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ा। 3 साल तक, 3 महीने तक कोई FIR नहीं लिखा जाता है। कैसा आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपकी योजना है, वो कहाँ आप उस पर खड़े उतरते हैं? कहना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर आप चाहते हैं, आप सच में अगर संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति, तो आज ही आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार कीजिए। वो ऑन कैमरा बैठ के कहते हैं। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। तो पार्टी कहे ना, आप खुद सोचिए ना, अगर पार्टी नहीं कह रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी का पूरा सपोर्ट है ना उनके पास। पार्टी को कहना होता, पार्टी नहीं चाहती कि उस पर्सन को वहाँ से हटाया जाए। वो चाहते तो कहती है ना कि हर मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, इस पूरे मामले को परखा और समझा जाएगा, तो फिर विश्वास क्यों नहीं बन पाता? निष्पक्ष जांच करेगा कौन? आप बात करते हैं पॉलिटिक्स हो रही है, कोर्ट करेगा। आप बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, आपने जो कमेटी बनाई उसमें योगेश्वर दत्त थे, 2 बार वो विधायिका का चुनाव लड़े BJP से, ठीक है। दूसरी बबीता कुमारी, वो BJP से चुनाव लड़ी, वो हारी। PT उषा राज्यसभा सांसद, मैरी कॉम राज्यसभा सांसद। तो आप कैसे निष्पक्ष जांच की आप उम्मीद कर सकते हैं? उषा की बात करें, फोगाट, बबीता फोगाट, वो भी तो खिलाड़ी रही हैं, फिर महिला भी हैं, और आज तो सभी यहाँ पर आई थी PT उषा। यही सवाल मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, खिलाड़ी हैं, महिला भी हैं, उसके बाद भी दिक्कत नहीं समझ पा रही इन लोगों की।
आपने पीटी उषा की बात की तो उन्होंने तो ये बोल दिया था कि सीधे सीधे अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया था कि ये खिलाड़ी अनुशासनहीन है। अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, देखिए सत्ता में आप हैं, एमपी आपका है, सवाल आपसे होंगे, हम किसी और से पूछने नहीं जाएंगे। ब्रजभूषण तो ये भी कहते हैं कि आरोप मुझ पर है, सवाल मुझ पर होना चाहिए, टारगेट सरकार को क्यों कर रहे हैं? सरकार आपकी है ना, आप उस सरकार से आते हैं, आप उस सरकार से आते हैं, आप उस सरकार से आते हैं, आपको वहां से हटा दें। आपका एक्शन तो मैंने देखा यूपी में बाहुबलियों के अगेंस्ट, बाहुबलियों पे तो काफी ठीक ठाक एक्शन लिया जाता है, एक्शन लीजिए आप उनपे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं घर गिरा रहे हैं आप उनके? पोस्को एक्ट की बात की थी अभी यहाँ पे एक लोग थे, तो उसमें तो क्या होता, ऑन द स्पॉट आपकी गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, कार्यवाही ना होने की वजह से सरकार पे से भरोसा उठता जा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली अब हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और जैसे हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि अब जैसे यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डर हो गया है। जो आगे करने वाली हैं महिला स्पोर्ट्स में, जो आगे बढ़ने वाली हैं, उनको रोक दिया गया। अब हर किसी इंसान को अपनी फैमिली में ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी फीमेल को, लड़की को बाहर निकालेंगे तो फिर उसको सेफ नहीं रहेगी। जब इतने इतने बड़े बड़े ओहदों पे मिनिस्टर टाइप के और संसद टाइप के लोग ऐसा करने लगे तो फिर इस देश में कहाँ रहेगा? और इन पे राजनीति कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर्सनली समर्थन देने आ रहे हैं पहलवान, खुद कह रहे हैं हमारे समर्थन नहीं, वैसे समर्थन में सारे लोग आएंगे, अपोजिशन नहीं आएगी तो कौन आएगा? आते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राजनीति धरना नहीं है, ये सिर्फ पहलवान और स्टूडेंट्स राजनीति धरना हो गया, स्टूडेंट्स नहीं है, कोई राजनीति धरना भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लोग यहाँ राजनीतिक आते हैं, हर जगह आते हैं वो, तो ये तो आपको पता है अभी तक जितने इंडिया में धरने रहे, जंतर मंतर हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे उसके अलावा दरसे वो भी दे रहे हैं कि मेरे एक इशारे पर पूरा जंतर मंतर भर जाएगा, वो तो मैंने रोका हुआ है अपने लोगों को। हाँ वो सही कह रहे हैं, वो गुंडे हैं, आजकल गुंडागर्दी है, उनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, आप देख ही रहे हैं, गुंडागर्दी कर ही रहे हैं, इतने सारे मुकदमे, इसके अलावा जो सरकार ने दर्ज नहीं किए वो देखिए, योगी गुंडा राज करते हैं, मोदी जी के यहाँ भी गुंडा राज चलने लगा, अब यहाँ जब योगी जी ठोक दो वाली नीति करते हैं अपने। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार गर्ग। कहाँ से आए? मैं दिल्ली कैंट से आया हूँ जी। क्यों आना पड़ा बारिश में भी? इनके समर्थन में आए हैं और इन्होंने लगा कि जरूरी मुद्दा है, जाना चाहिए, जरूरी मुद्दा है और जाना चाहिए उधर, और हम पुराना हो रहा है ये तो, अब 11 दिन हो गए हैं और इन्होंने एक भी सुनवाई नहीं करी, किसी आदमी को भेजा तक नहीं है, केंद्र में सरकार बैठी है और क्या कर रही है ये, इनका कुछ पता नहीं, इनका कोई साफ हो पाएगा इनके साथ? हो पाएगा, होएगा ना, तो नहीं हिलेंगे हम यहाँ से, नहीं हिलने देंगे हम यहाँ से, हिलेंगे नहीं हम, तैयार हैं बैठने के लिए, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम इनके साथ हैं, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, साथ ही जाएंगे, इनके साथ ही हैं। तो जो लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चाहे बारिश आए, तूफान आए, हम उनके साथ यहाँ डटे रहेंगे, यहाँ उनके साथ बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बारिश आ रही है, पीछे पहलवानों का धरना जारी है, और यहाँ लोगों का आना जाना जारी है जो लोग यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं। लेकिन घूम फिर के सवाल एक ही किया जाता है कि आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही, क्या